उस समय दिल रुपया मिला था उसमें उसका उससे पहले भी बहुत सारे गाने में हुआ जिसके नसीब में जो गाना है वो उसको मिलेगा जो नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ तुम हमको मिलेगा ही नहीं तो क्यों सब मारा मारी लगाना ये करना टेंशन करना भाई गाना नहीं नो हमारे उस समय क्या होता था गाना एक गाना जो पहले गाना रिलीज होता था गाना सुन के पब्लिक हॉल में आते थे नमस्कार मैं कुमार सानू आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा आज के जमाने के गाने एक गाना है जिसको सबसे पॉपुलर Recreation का टर्म दिया गया है और उसे आपने गाया था ओरिजिनली आंख मारे, मारे।, मारे हाँ। आपके क्या थॉट्स है रिक्रिएशन में देखिए में मेरा ना कुछ पॉजिटिव uh, थिंकिंग है रिक्रिएशन uh, अगर पुराने गाने को रिक्रिएट करते हैं तो आई थिंक के गाने को तोड़ो मारो मत आप गाने को स्ट्रेट रखो उसका अरेंजमेंट हो उसका जो ट्रीटमेंट हो वो आप चेंज करो जी करके भी उसको रिक्रिएट किया जा सकता है तो मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ पे है कि गाने को आप चेंज मत करो हुँ. गाने शुड नॉट इधर उधर हो जाना चाहिए या टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए बट गाने को रख के आप उसको रिक्रिएट करो तो आई थिंक कि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे पुराने गाने जो है जो रिक्रिएट हो रहा है तो आज के जमाने का जो बच्चे हैं जो लोग लड़के हैं लड़का लड़कियाँ हैं उन लोग को पता चल जाता है कि ये गाना किसका था कौन सा गाना है ये तो ये एक अच्छी पॉइंट है कि रिक्रिएशन के वजह से

वॉल्यूम करके मेरे को पहला गाड़ी गुलशन जी ने बॉम्बे में पहला गाड़ी गुलशन जी ने दिया था गिफ्ट किया था एक, तो आता है से हम लोग करते हैं रिक्रियेट, तो रिक्रियेट में, think, आ, उसमें अगर आ, मेरे को लगता है कि बहुत प्लस पॉइंट है अगर रिक्रिएट किया जाए यार आ, आम जनरेशन जो है वो अगर उस गाने को सुनता अभी कलियों का चमन जो गाना था ये गाना कितने लोग जानते थे

वो चेंज करोगे ना तो लोगों को लगता है कि इसीलिए चलता नहीं है कुछ रिक्रिएटन न... का गाना तो आपने हाँ मैंने मैंने गाया था आ, मैं तो रास्ते से जा रहा था तो जो भी है इसमें ना रिक्रिएट करो और अगर हो सके तो पुराना सिंगर अगर दम में है गा सकते हैं अगर उससे गवा लो तो और जबरदस्त रिक्रिएट हो जाता है तो आप उसका एग्जाम एक एग्जाम्पल एक नहीं है बहुत सारे है गाने को रख के अगर आप ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग करो तो वो गाने को रखो लेकिन ट्रीटमेंट अलग करो तो वो सुनने में और अच्छा लगता है आपको अच्छा, ऐसा लगता है उस जमाने में क्या आपको कभी कंपटीशन फील हुआ क्योंकि आपके साथ-साथ सो मेनी सिंगर्स उदित नारायण जी भी एकदम टफ कंपटीटर थे नहीं सब लोग थे उस समय खाली एक नहीं हां कम से कम नहीं तो दस सिंगर आपको मैं गिना सकता हूँ उस समय था इवन मोहम्मद अजीम शब्बीर कुमार हमारे सुरेश वाडकर जी आ, फिर अपना सुदेश भोसले जी विनोद राठौर जी अमित कुमार तो क्या इनसिक्योरिटीज तो भी भी नहीं हुई कि अरे ये गाना मेरे को इनसिक्योरिटीज तो आज भी नहीं है इनसिक्योरिटीज नाम की कोई चीज मेरे अंदर बिल्कुल है ही नहीं और आने ही नहीं दिया मैंने कभी जिंदगी में इनसिक्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं है अभी क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आई नो के मैं बखू कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस मेरे में था जी। तो इसलिए गाना जितना आया फटाफट गाता गया हमको कोई इंसिक्योरिटी नहीं था कौन गा दिया है ठीक है गा रहे यार उसको गाने दो जिसके नसीब में जो गाना है वो उसको मिलेगा ही जो नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ तो हमको मिलेगा ही नहीं तो क्यों सब माना मारी छलंग लगाना ये करना टेंशन करना भाई गाना नहीं नो तो मेरा एक लॉजिक ऐसा है कि भाई जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे नहीं मिल सकता और जो मेरे नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता ये मेरा लॉजिक है तो इसलिए मैं आज भी खुश हूँ कम तो गाना गा रहा हूँ लेकिन आज भी, अब मैं बहुत खुश हूँ मैंने गाया इतना खुशी हुई मुझे कि वो एक रोमांटिक गाने के लिए मुझे बुलाया गया अभी कल भी गाया एक गाना गाया मैंने अलका जी के साथ डुएट था कल वो भी बहुत जबरदस्त गाना था तो गाना मैं रोज ही गा रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मैं एक गाना गाता हूँ लेकिन क्या है कि अच्छा गाना जब बनता है ना तब हमें याद करता है ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो आर ए टेड़े गाने के लिए हमको नहीं बुलाया जा रहा है हमको मेलोडी होता है तभी हमको कुमार सानू को चाहिए तो ये एक जो एक जो हम लोगों ने क्रिएट किया ये जो चीजें हमने बनाया जी। तो उसका इसके लिए कोई इनसिक्योर इनसिक्योरिटी और ये सब चीजें हम आने ही नहीं देते

ललित जी हाँ। ये एक बहुत अहम म्यूजिक कंपोजर्स रहे हैं और क्या कमाल का गाना है फ्रॉम कभी हां, कभी ना शु, से उनका कोई भी गाना ले लीजिए होता है ललित काफी गाने मैंने बहुत सारे गाने गाए मेरा शुरुआत हुआ था उनके साथ खिलाड़ी पिक्चर में एक गाना था देखा तेरी नहीं मस्त नहीं गाँव में वो आशा जी जैन मैं गाया था तो वो वो गाने से हमारा शुरुआत हुआ था एंड देन तो चलता गया धपा धप धपा धप दप। खामोशी आए आए। कितना पिक्चर सब एक एक लाइन से एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई फील दैट एक इनोसेंट लव स्टोरी का जो परफेक्ट गाना हो सकता है वो है ए काश के हम मतलब आ, इतना तो, तो, तो इनोसेंट लव स्टोरी आप बोल रहे हैं वेरी गुड

कमाल का कंपोजिशन इज ही मतलब उस पिक्चर का जो सारे पूरा एल्बम आप उठा के देख लो हर गाना है कि ना मोती की तरह है सर ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स दे आर दे आर रियली गुड पर क्या आप भी अपने आ, आ, टिप्स देते रहते थे बिकॉज़ अभी हम बात कर रहे हैं 1999 में और आपने शुरुआत ने सालों से की है तो एज़ सच व्हेन कुमार शानू जी कम्स इन टू द स्टूडियो नए कंपोजर्स के लिए भी तो नए कंपोजर्स नए कंपोजर्स का तो मैंने बहुत सारा जैसे गानसन गुलाब का गाना बोल रहा था मैं ना तो तो छाती फाड़ के, के, के खून निकल लव यू तो ऐसा चिल्लाने वाला हो गया मामला मत करो इसको आप सॉफ्ट लीजिए बोले दादा आप किस तरह से करोगे आप बताओ तो मैंने उसको सुनाया तो बोलते बहुत अच्छा ये आइडिया बहुत अच्छा है तो उन लोगों ने ट्रैक को एक फर्स्ट अंतरे का ट्रैक को दोबारा दो, दो अंतरा कर लिया उसमें अच्छा तो सेकंड ट्रैक को सेकंड अंतरे का ट्रैक को बोलता है, नहीं ये चाहिए ही नहीं हमको यही इसे ही करेंगे मतलब बस ठीक है तो हमने उस तरह से सजेशन देते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि लोगों को पसंद आएगा क्योंकि एक एक्सपीरियंस है जी। तो uh, हमें लगता है कि डेफिनेटली इट विल वर्क एंड सुनते भी हैं क्योंकि एक uh, कुमार सानू के हिसाब से हो या उनका रिस्पेक्ट के हिसाब से हो कैसे भी हो सुनते हैं एक मैं सजेशन देता हूँ कि इस जगह पे मैं इस तरह से गाऊंगा तो मतलब ओके दादा ओके आप जिस तरह से चाहो दिस इज योर सॉन्ग तो एक जो फ्रीडम होता है ना हमारे पास वो होता है और उसका नाजायज फायदा नहीं उठाता हूँ मैं कि भाई एकदम बिठा दिया गाने को ऐसा नहीं गाने को बेटर करने की कोशिश करता हूँ कि वो जो लेके आते हैं जी. उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट और चढ़ा के उसको अगर हम दे सके हम यही किया जिंदगी पर कि नादिम जी एक गाना बनाया मेरे को दिया नादिम बोलता है अरे टाइगर यार बीच में कुछ हे हे करके आलाप आ सकता है हम बोला हाँ आ हा, सकता है कौन सी जगह पे कौन सी जगह पे लेगा तो मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक चलाइए म्यूजिक में आ जाएगा तो बोलता है कि हाँ म्यूजिक में आ म्यूजिक में आएगा वाई नॉट तो एक मैंने हे हे कर दिया तो उन्होंने बोला रहे यार कमाल हो गया ये तो बहुत अच्छा हो गया फिर फिर वो इम्प्रोवाइज करते हैं बोलते हैं हे, हे को तू अब थोड़ा सा हे इस तरह से हे कर तो एक आइडिया हमेशा हमारे साथ नदीम जी नदिम शवन जी का वो हो या जतिन ललित हो या अनु हो या बापीदा हो या आनंद मिलिंद हो या समीर सेन दिलीप सेन सेंद हो या किस कितनों का नाम लूँ इतने लोगों में हमको हम जाके उनके साथ एक डिस्कस करके गाना करते थे जी ऐसे नहीं कि गया और जिस तरह से बनाया और मैं गा के चलाया नो नेवर हम उसमें अपना इनपुट हमेशा कोशिश करता था अगर उन लोगों को अच्छा लग जाता है तो फिर वो रख देते हैं नहीं लगता है तो बोलता नहीं टाइगर इस जगह नहीं है वो, हे 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 हे। ये खाली हे से आज सोचेंगे तुम्हें प्यार से उससे पहले भी बहुत सारे गाने में हुआ और बहुत सारे गाने हैं जिस गाने में जब हा हा आहा हा 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 राम उन तो ऐसे बहुत सारे गाने में अनुमली का तो बहुत सारे गाने में किया मैंने नदीम सामन का भी एक, -एक सिग्नेचर ट्यून बन गया था मेरे को <laughs> तो सब कुमार सानू से गाना से के लिए आन दादा शुरू में एक आलाप हो सकता है क्या अमला लाओ करते हैं फिर कर दिया वो लेके चला गया वो ही चला तो ठीक है

मैं तो अपना पार्ट बीस मिनट में गा के निकल गया था। जी कभी कभी साथ में, हम लोग तो हंड्रेड तो uh, म्यूजिशियंस के साथ जब एक बैलेंसिंग एक सिंगर रूम में खड़े होकर गाना गा रहे हो और पूरा फ्लोर आपको देख रहा है अगर मैं कोई मिस्टेक किया तो सारे म्यूजिशियंस को दोबारा बजाना पड़ेगा तो उस समय जो जो आंखों से देखते है ना वो अरे मैं इतना बादशाह बजा के गया था ये बदमाश के लिए हमको दोबारा गाना पड़ेगा कैसा सिंगर तो है हु. मतलब जिसको कहते दुगुना और चौकन्ने हो जाना बोलता है ना चौकन्ने हो जाना दुगुना तो इसलिए गाना इतना अच्छा होता था क्योंकि हम इतना सीरियस हो जाते थे कि भले हम ये एक जगह नहीं टूकेंगे तू गलत करेगा गलत ही करेगा लेकिन हम नहीं करेंगे ये कॉम्पिटिशन चलता था म्यूजिशियंस और सिंगर में तो म्यूजिशियंस भी एक चांस में बजा दिया तो हमने एक चांस में गा दिया तो फिर क्या आप कहने सब आके तारीफ तरीफ होता था और अगर कहीं गलती हो गया हाँ। अगर मेरे से एक मिस्टेक हो गया या उनसे कोई मिस्टेक हो गया हम हमारे लिए कुछ नहीं है हम तो दोबारा गा देंगे बट एक हंड्रेड म्यूजिशियंस को फीट से बजाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग तो हमारे तरफ से मिस्टेक ना hmm. हो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा चौकन ने होके गाना गाते थे इसलिए गाने में वो रिजल्ट आता था wow. I want to still come back to नदीम Shravan because 2000 में there was another एक संगम था with धड़कन हाँ और देखना देखना। ये ये बहुत स्पेशल ही रहा है क्या आपको लगता है this is blessed नदीम Shravan जी ये नदीम Shravan जी का मैं, मैं बोला ना कि simplicity music में जितना simple होगा ना वो गाना हिट होता है वो गाना लोग गा सकते हैं वो गाना हिट होता है अरे ये सब गाना कोई भी गा लेगा ये भी गा लेगा ये भी गा लेगा कोई भी गा लेगा वो गाना देखिए अब कुछ भी नहीं है उसमें सिंपल सा ट्यून है आई थिंक uh, ये यही उनका सक्सेस का मेन कीज जो था ना ये था कि गाना वो खुद क्योंकि नदिम खुद ढोल बजा के गाना बजा बनाते थे जी। तो ढोल बजाते थे तो ढोल बजाते बजाते जैसे गा सकते थे ना थोड़ा सा ईजियर होता था दैट इज द मेन थिंग अब श्रवण जी हारमोनियम बजा के वो थोड़ा सा

न्यू न्यू साउंड चाहिए के ये बोलता है नया साउंड चाहिए हमको हमको नया साउंड चाहिए। चाहिए में नया चाहिए। नया ढूंढ लाएगा? ताल तो है कारफा, दादरा, और वो लोग क्या करते थे उस समय तिकड़बाजी करके वेस्टर्नाइज वेस्टर्न से मारो लूप उधर से लूप मारो इधर लगाओ तो ये जो चीजें हैं ये चीजें गाने गाने को को सबसे बड़ी बात है गाने को आज सेकेंडरी कर दिया गया जी। हमारे हुआ हमारे उस समय क्या होता था गाना एक गाना एक जो पहले गाना रिलीज होता था गाना सुन के पब्लिक हॉल में आते थे हॉल तक खींच के लाने का काम हम लोगों का था म्यूजिक तो सो पावरफुल कि म्यूजिक हॉल में हॉल को भरने का काम म्यूजिक करता था पहले गाना हिट सुपर डुपर हिट हो गया बजा के गाना हिट हो गया वो तो गाना अच्छा इस पिक्चर का गाना जगह तो गा, पिक्चर को देखना पड़ेगा कि कैसा है पिक्चर हॉल तक लोग आते थे गाने की वजह से आपने ऐसा भी देखा होगा कि पिक्चर नहीं चला लेकिन गाना सुपर डुपर हिट right. ऐसा बहुत सारे मेरा फिल्म कसूर है मुझे याद बहुत सारा है, है तो क्या गाने इस तरह है? से तो आज क्या हुआ आज गाने को सेकेंडरी होगा चलेगा नहीं होगा तो भी चलेगा मतलब ऐसा हो गया गाना होगा ठीक है एक गाना रख दो यार कहीं भी बीच में डाल दो एक गाना ऐसा उस समय नहीं उस समय एक स्टोरी के साथ साथ चल रहा है बीच में गाने का जगह कहां पे क्या वो पूरा वो होता था एक ग्राफ तो उसमें गाना कहां कहां आ सकता है वो फिट बैठता था तो गाने को प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता था कि एक गाना एक इट इज ए टेरिटरी और बहुत ज्यादा पैसा मिलता था गाना बेच के कंपनीज को मेरे को जहाँ तक ख्याल है मुझे याद है दिल दुल्हनिया ले जाएंगे कौन सा ईयर का गाना है आप सोचो हाँ तो उस समय दिलवाले दुल्हनिया को आ, खाली म्यूजिक ट्रैक दे के दो करोड़ रुपया मिला था छः गाना खाली दो करोड़ उसमें उसका शूटिंग वूटिंग सब हो गया एक म्यूजिक के पैसे से तो कैन यू इमेजिन दैट तो म्यूजिक इतना पावरफुल हुआ करता था म्यूजिक एक टेरिटरी था जैसा होता है ना बिहार टेरिटरी यूपी आ, बंगाल महाराष्ट्र ऐसा म्यूज़िक एक टेरिटरी हुआ करता था वो लोग जैसा पैसा देते थे म्यूजिक भी एक ऐसा पैसा देता था थोक के कि इस पैसे से आप शूटिंग करो चलो तो ये म्यूज़िक को आज क्या हो गया सेकेंडरी कर दिया होने से चलेगा नहीं होने से भी ठीक है कोई बात नहीं है अगर हो तो ठीक है एक आध डाल दो नहीं तो मतलब मतलब कुछ नहीं है अचानक हीरोइन इधर बातें कर रहा है अचानक ये लोग स्विट्जरलैंड चले, चले जाते हैं स्विट्जरलैंड में गाना गा रहे हैं अचानक कट टू सीधा आके डोंबी वैली में शूटिंग कर रहा है तो मतलब ये क्या हो गया ग्रैंजर दिखाने के चक्कर में मतलब म्यूज़िक को आज क्या है सेकेंडरी कर दिया ठीक है चलेगा थोड़ा सा सांस वाँस लेने के लिए लोगों को टॉयलेट फॉयलेट जाने के लिए गाना डाल दो ऐसा Fillers हो गए दैट्स 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 व्हाई व्हाई पिक्चर मुंह के बल गिरता है मैक्सिमम पिक्चर फ्लॉप होता है आपने देखे ही होंगे गाना भी वैसे ही है एक महीना चला पंद्रह दिन चला दो महीना मैक्सिमम तीन महीना तो बहुत हो गया मतलब अगर गाना चल गया या। उतना दिन तक चलते रहते हैं उसके बाद दूसरा एक आके उसकी जगह ले लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या एक गाना रहेगा उसके रहते हुए दूसरा गाना आएगा लेकिन उसको कोई नहीं भूलेगा आशिकी के रहते हुए साजन आया साजन के रहते हुए दीवाना आया दीवाना के रहते हुए सड़क आया सड़क के रहते हुए बाजीगर आया बाजीगर के रहते हुए लेकिन इस गाने को कोई नहीं भुलाया जी। वो बाजीगर को जैसे सुनते हैं आशिकी को भी वैसे सुनते हैं दीज आर द थिंग्स बट आज का जो है आज में क्या होगा कोई और गाना आया तो ये गाना बिल्कुल भुला दिया क्योंकि भूलने के लायक ही है वो याद रखने वाली बात उसमें होती नहीं है दैट इज अ मेन थिंग नमस्कार मैं कुमार सानू आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा